सीमा सुरक्षा बल की जांबाज टीम ने रचा इतिहास, बनाया नया विश्व कीर्तिमान। सीमा सुरक्षा बल की जांबाज टीम ने विजय दिवस पर बनाए विश्व कीर्तिमान। दिनांक 21 दिसंबर 2022 को जांबाज टीम के टीम कप्तान इंस्पेक्टर अवधेश कुमार सिंह ने रॉयल एनफील्ड 350 सीसी मोटरसाइकिल पर लगा 12 फीट 10 इंच के पोल पर खड़े होकर चलती हुई मोटरसाइकिल की उल्टी दिशा में खड़े होकर लगातार 5 घंटे 26 मिनट 3 सेकंड लगातार मोटरसाइकिल चलाकर 440 किलोमीटर दूरी तय करके एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। 174 किलोमीटर मीटर इसी श्रृंखला में दिनांक 16 दिसंबर 2022 को जांबाज टीम के टीम कप्तान इंस्पेक्टर अवधेश कुमार सिंह ने अपने साथी आरक्षक सुधाकर के साथ रॉयल एनफील्ड 350 सीसी मोटरसाइकिल पर लगी 12 फीट 9 इंच सीढ़ी पर खड़े होकर लगातार 2 घंटे 21 मिनट 48 सेकंड लगातार मोटरसाइकिल चलाकर 81.5 किलोमीटर दूरी तय करके एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। और दोपहर बाद टीम के उपकिसान इंस्पेक्टर विश्वजीत भाटिया ने एक और नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। उन्होंने रॉयल एनफील्ड 350 सीसी मोटरसाइकिल पर लेटकर लगातार 2 घंटे 6 मिनट 17 सेकंड लगातार मोटरसाइकिल चलाकर 70.2 किलोमीटर दूरी तय कर एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किए। दिनांक 19 दिसंबर 2022 को सीमा सुरक्षा बल की जांबाज मोटरसाइकिल टीम के आरक्षक प्रसन्नजीत एनआर देव ने रॉयल एनफील्ड 350 सीसी मोटरसाइकिल की फ्यूल टंकी पर खड़े होकर लगातार 01 घंटा 40 मिनट 06 सेकंड मोटरसाइकिल चलाकर 59.1 किलोमीटर दूरी तय करके एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। जांबाज टीम कैप्टन इंस्पेक्टर अवधेश कुमार सिंह ने वर्ष 2018 में एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था, जो कि रॉयल इनफील्ड 350 सीसी मोटरसाइकिल पर लगी 16 फीट 5 इंच के पोल पर लगातार 10 घंटे 34 मिनट 27 सेकंड चलकर एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था। इस विश्व कीर्तिमान को बनाते समय वे 16 फीट 5 इंच के पोल से तेज हवा के दबाव में आने से गिर गए थे, जिसमें उनकी 3 हड्डियां टूट गई थी। किसी ने सोचा नहीं होगा कि वह फिर कोई विश्व कीर्तिमान स्थापित कर पाएंगे, लेकिन सलाम करते हैं उनके जज्बे को, उनके जोश को, उनके देश प्रेम को, जिन्होंने मात्र 6 दिन बाद ही 3 टूटी हुई हड्डियों के साथ 16 फीट 5 इंच के पोल पर लगातार 10 घंटे 34 मिनट 27 सेकंड चलकर विश्व कीर्तिमान बनाया। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय चैनल BS लाइव न्यूज।